दोस्तों, आप सबको पता है कि ट्रूकॉलर का क्या काम है। इसकी मदद से आप किसी के भी फ़ोन नंबर की मदद से उसका नाम के बारे में उसकी डिटेल बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन कभी कभार ये फ़ायदा देने की जगह पे आपको किसी तरह से थोड़ा बहुत डिस्टर्ब भी कर सकता है या थोड़ा बहुत नुकसान भी कर सकता है। जैसे कि इसमें एक ऑप्शन आता है जिसमें ये दिखाता है कि आपका लास्ट सीन क्या था, यानी आप कब तक या किस वक्त तक आपने किसी के साथ लास्ट कॉल की, फिर ट्रू कॉलर पे अवेलेबल थे, जो कि आपके लिए थोड़ा बहुत प्रॉब्लम की वजह बन सकती है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप ट्रू कॉलर से अपना लास्ट सीन हाइड कर सकते हैं। उसके साथ ही साथ एक बोनस टिप्स भी दूंगा जो कि उसी टाइम बताऊंगा। तो पहले ये देख लेते हैं कि आप ट्रू कॉलर में कैसे अपना लास्ट सीन छुपा सकते हैं। तो चलिए ट्रू कॉलर में चलते हैं, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो ये मैंने अपना ट्रू कॉलर ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद मैं आपको अब इसमें सब कुछ सामने से डिटेल में बताने वाला हूँ। ये एक वो बंदा है जिसके साथ मैंने कॉल की है या इसने मुझे कॉल की है, और आप इसमें देख सकते हैं इसका मुझे लास्ट सीन तक दिखा रहा है। ये 10:34 तक अवेलेबल था ट्रू कॉल पर, या इसने किसी के साथ भी कॉल की है। अब मान लीजिए मैं इसको जस्ट 2 या 4 मिनट बाद मैं इसको कॉल करता हूँ और ये मुझे रेस्पॉन्स नहीं करता है, तो सिंपली मैं इस बंदे को ब्लेम कर सकता हूँ कि आप ऑनलाइन थे और जानबूझकर आपने मेरी कॉल को रिसीव नहीं किया। तो सेम मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है कि कोई देख सकता है कि मैं कब तक लास्ट सीन था, चाहे वो मेरे घर वाले हों, मेरे फ्रेंड्स हों, मेरी गर्लफ्रेंड हो, या फिर कोई भी रिश्तेदार वगैरह, जो ये क्लेम कर सकते हैं कि आपने जानबूझकर मेरी कॉल नहीं रिसीव की, आप ऑनलाइन अवेलेबल थे। ठीक है, तो इस तरह की प्रॉब्लम हो या फिर इस तरह से कोई और प्रॉब्लम हो तो उससे कैसे बचा जा सकता है, वही इस वीडियो में आपको रिकवर हो जाएगा, आपको कवर अप हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, कैसे बंद करना है जिससे आपका लास्ट सीन ना दिखे, आपको आना है अपने जो भी ट्रू कॉलर है उसके होम स्क्रीन पर। होम स्क्रीन पर आने के बाद आपको साइड में 3 डॉट दिखेंगे, उन पर सिंपली आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप जब नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप देखेंगे आपको एक सेटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, उस सेटिंग के ऑप्शन पर आप क्लिक कर दीजिए। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप नीचे देखेंगे आप प्राइवेसी सेंटर का आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे आपको एक पहले ही ऑप्शन मिल जाता है अवेलेबिलिटी। तो यही वो अवेलेबिलिटी है जो आपको बताती है बाकी सब लोगों को कि आप ट्रू कॉलर पर कब तक अवेलेबल थे। तो इस बटन, जो ये टॉगल बटन दिख रहा है, इसको मैं सिंपली कर देता हूँ ऑफ। ये मैंने कर दिया ऑफ, अब मेरा लास्ट सीन हाइड हो जाएगा बाकी सब लोगों से, उनको नहीं पता लगेगा मैं कब तक ट्रू कॉलर पर था, जबकि मैं अभी तक ऑनलाइन हूँ ट्रू कॉलर पर, लेकिन अब लोगों को ये दिखाना बंद कर दिया गया होगा। तो कोई भी मेरी कॉल हिस्ट्री में जाके ट्रू कॉलर में आके ये पता नहीं लगा सकता कि मैं कब तक इस पे अवेलेबल था ट्रू कॉलर पे। ठीक है, तो इस तरह से एक इसमें नुकसान ये भी है कि एक बार आपने लास्ट सीन बंद कर दिया तो उसके बाद कोई बिल्कुल भी पता नहीं लगा पाएगा कि आप कब तक लास्ट सीन थे, लेकिन साथ ही साथ आप भी नहीं पता लगा पाओगे कि कोई अगला आदमी कब तक लास्ट सीन था उसका, यानी कब तक वो ट्रू कॉलर पे अवेलेबल था। तो ना आप किसी की देख पाओगे ना कोई आपका देख पाएगा। लेकिन इसका एक ट्रिक सिंपल सी ये है कि आप जब भी किसी और के देखना चाहते हैं तो 2 सेकंड के लिए आप अपना अवेलेबिलिटी ऑन कर दीजिए और आप दूसरों की देख लीजिए और तुरंत बंद कर दीजिए, तो बाकी लोग नहीं देख पाएंगे, लेकिन हाँ उस टाइम के लिए आपकी लास्ट सीन रिकॉर्ड हो जाएगी। तो इतना आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये ट्रिक आपको पसंद आ गई होगी, समझ में आ गई होगी, लेकिन मैंने आपको साथ में प्रॉमिस किया था कि आपको एक बोनस टिप भी दूंगा, तो वो भी मैं आपको इसी में देने वाला हूँ। तो आपको करना क्या है कि एक ट्रू कॉलर की एक और नई अपडेट आ गई है कि आप इसमें डार्क मोड भी इनेबल कर सकते हो। तो उसका फ़ायदा ये है कि आप रात बरात का भी अपना मोबाइल ऑन करोगे या चलाओगे तो आपकी आंखें ख़राब नहीं होंगी, आपके मोबाइल की बैटरी भी सेव होगी, और ओवरऑल डार्क मोड आजकल सभी एप्लीकेशंस में आ गया है, इसलिए ट्रू कॉलर ने भी दे दिया। आप इसको इनेबल कैसे करेंगे, आप अपने होम स्क्रीन पर आइए, साइड में 3 डॉट देख रहे हैं उन पर क्लिक कीजिए और आपको ऊपर ही ऑप्शन मिल जाएगा सेटिंग के ऊपर डार्क मोड पर, सिंपली आप उसको कर दीजिए ओके। और ओके करने के बाद आप देखेंगे ये एक बार रीस्टार्ट टाइप का होगा, उसके बाद जो भी इसका इंटरफेस है वो इसमें आ जाएगा डार्क मोड में। तो ये थी बोनस टिप जो कि आपको और पसंद आई होगी, आई होप आप इसको लाइक करेंगे। वो एक मेन ट्रिक एक बोनस टिप मैंने आपको दी है, दोनों आपके काम की हैं, तो आप इन्हें जल्दी से अप टू डेट कर लीजिए। तो ऐसे ट्रू कॉलर से रिलेटेड मैं और भी वीडियोस बनाता रहता हूँ, तो आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। एंड यार, एक सबसे बड़ी बात ये है कि यार सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं भाई, लोग सब्सक्राइब ही नहीं कर रहे हैं यार, जल्दी से जल्दी 50,000 सब्सक्राइबर करा दो, उसके बाद ग्रांड पार्टी होगी भाई साहब। ठीक है, तो सब लोग सब्सक्राइब करो, शेयर करो, जैसे कि मेरे सब्सक्राइबर बढ़ पाएँ। बाकी अगर ट्रू कॉलर से रिलेटेड और वीडियोज़ देखने हो तो चैनल पर अवेलेबल हैं, जुड़े रहिए, आपको एक से एक ट्रिक और सेटिंग मिलती रहेगी। मैं आपको मिलता हूँ एक और नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ बहुत जल्द, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।